हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आप अच्छे होंगे। तो आज हम नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एरे लिस्ट विद एग्जांपल, साथ में एरे लिस्ट में होने वाले कुछ मेथड्स ऐड, गेट, सेट, रिमूव, इन मेथड्स को हम पार्ट वन में पढ़ेंगे। बाकी जो कुछ बचे हुए मेथड्स हैं उनको हम पार्ट टू में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे लिस्ट क्या है और किस लिए एरे लिस्ट का यूज किया जाता है? तो देखिए, ये है जावा एरे लिस्ट। चलिए पहले इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम्स बना करके रन करेंगे। जावा एरे लिस्ट क्लास यूजेज अ डायनामिक एरे फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स। जावा एरे लिस्ट क्लास एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए डायनामिक एरे का यूज करती है। इट इज लाइक एन एरे, ये एक एरे के जैसा है, बट देयर इज नो साइज लिमिट, इसमें कोई साइज लिमिट नहीं होती है। वी कैन एड और रिमूव एलिमेंट्स एनी टाइम, हम कभी भी एलिमेंट्स को एड या रिमूव कर सकते हैं। सो इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल देन द ट्रेडिशनल एरे, तो इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल एरे के कंपैरिजन में। इट इज फाउंड इन द जावा यूटिल पैकेज, और ये किस में पाया जाता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज में। इन जावा वी नीड टू डिक्लेयर द साइज ऑफ एन एरे बिफोर वी कैन यूज इट। जावा में एरे को यूज करने से पहले हमें एरे का साइज डिक्लेयर करने की जरूरत होती है। वंस द साइज ऑफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड, अगर एक बार एरे का साइज डिक्लेयर हो जाता है, इट्स हार्ड टू चेंज इट, तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है। टू हैंडल दिस इशू, इस इशू को हैंडल करने के लिए वी कैन यूज द एरे लिस्ट क्लास, हम एरे लिस्ट क्लास का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डायनामिक होता है और इसमें हमें साइज पहले से डिक्लेयर नहीं करना होता है। इट अलाउज अस टू क्रिएट रिसाइजेबल एरेज, और ये हमें रिसाइजेबल एरेज क्रिएट करने की अनुमति देता है। अनलाइक एरेज, एरेज के अलावा एरे लिस्ट कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट देयर कैपेसिटी व्हेन वी ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम देम। यस, एरे लिस्ट से जब हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो वो उसके स्पेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। हेंस एरे लिस्ट आर ऑल्सो नोन एज डायनामिक एरे, इसीलिए एरे लिस्ट को डायनामिक एरे के रूप में भी जाना जाता है। अब क्रिएटिंग एंड एरे लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे? बिफोर यूजिंग एरे लिस्ट को यूज करने से पहले वी नीड टू इम्पोर्ट द जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट पैकेज, हमें जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट पैकेज को इम्पोर्ट करने की जरूरत होती है। देन एरे लिस्ट इज द कीवर्ड एंड देन वी विल प्रोवाइड हियर टाइप एंड दिस इज द नेम ऑफ द एरे लिस्ट, जिसमें हमें एलिमेंट स्टोर करने हैं, एंड द न्यू एरे लिस्ट एलोकेट करेंगे हम एरे लिस्ट को। तो एरे लिस्ट नाम की हमने लिस्ट बनाई जिसमें हम आइटम्स स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं। अभी प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे डिक्लेयर करना है। तो देखिए, इंटीजर टाइप अगर आपको कोई एरे लिस्ट डिक्लेयर करनी है तो उसको कैसे करेंगे? एरे लिस्ट इज द कीवर्ड एंड दिस इज द टाइप, इंटीजर टाइप यू आर गोइंग टू क्रिएट। तो यहाँ इंटीजर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ना कि इंट, आई एन टी का नहीं। एंड देन नेम ऑफ द एरे लिस्ट एंड देन उसको डिक्लेयर करेंगे। और अगर आपको स्ट्रिंग टाइप एरे लिस्ट बनाना है तो एरे लिस्ट एंड यहाँ टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग एंड देन नेम ऑफ द एरे लिस्ट एंड देन उसको एलोकेट करेंगे। वी हैव यूज्ड इंटीजर नॉट इंट, ये देखिए हमें इंटीजर का यूज करना ना कि इंट का। इट इज बिकॉज वी कैनॉट यूज प्रिमिटिव टाइप्स, ये इसलिए क्योंकि हम प्रिमिटिव टाइप्स का यूज नहीं कर सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट, जब हम एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। इंस्टेड वी हैव टू यूज द कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस, इसकी बजाय हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस। नेक्स्ट देखिए, ये एक प्रोग्राम बनाया मैंने और उसमें एड मेथड का यूज किया, क्योंकि अलग अलग मेथड्स इसमें यूज होते हैं। किस लिए? डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को रिमूव करने के लिए, डेटा को सर्च करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। सो तो देखिए, सबसे पहले हम अगर एरे लिस्ट में आइटम्स ऐड करने हैं तो कैसे आप उस प्रोग्राम को बनाओगे? तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया हमने एरे लिस्ट क्लास मेन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर ये आपने लैंग्वेज नाम का एक एरे लिस्ट बनाया, उसका टाइप है स्ट्रिंग। इसका मतलब हम स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड देन अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इसी को डॉट ऑपरेटर के साथ एड मेथड का यूज करेंगे। तो लैंग्वेज डॉट एड, और फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया जावा। लैंग्वेज डॉट एड सेकेंड एलिमेंट है हमारा पाइथन। लैंग्वेज डॉट एड स्विफ्ट। अब हम इस तरह से हम एड करेंगे आइटम्स एरे लिस्ट में एड मेथड का यूज करके, और साथ में लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम।
अब हमें ये लिस्ट डिस्प्ले करनी है तो क्या करेंगे, अगर पूरी की पूरी लिस्ट एक साथ डिस्प्ले करनी है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे लिस्ट और लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट का नाम आप लिख दोगे यहाँ, तो ये पूरी लिस्ट जो है जावा पाइथन स्विफ्ट डिस्प्ले कर देगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं बेसिक ऑपरेशंस एरे लिस्ट में कौन कौन से हम कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हो। द एरे लिस्ट क्लास प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मेथड्स प्रोवाइड करता है। वी विल लुक एट सम कॉमनली यूज्ड एरे लिस्ट ऑपरेशंस इन दिस ट्यूटोरियल। और हम कुछ कॉमनली एरे लिस्ट ऑपरेशंस यूज करेंगे यहाँ पे, तो कौन कौन से है देखिए। पहला एड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एड करने के लिए एड ऑपरेशन, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक्सेस, एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए चेंज एंड एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए रिमूव ऑपरेशंस हम यूज करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं किसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। देखिए एड मेथड तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि एड मेथड आप कैसे करोगे। अब दूसरा है हमारा एक्सेस एरे लिस्ट एलिमेंट। तो देखिए टू एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे लिस्ट वी यूज द गेट मेथड ऑफ द एरे लिस्ट क्लास। यस, एरे लिस्ट से एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एरे लिस्ट क्लास के गेट मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले सेम हम इम्पोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल्स, जो आपने एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। तो एनिमल्स आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, तो एनिमल्स डॉट एड कैट, एनिमल्स डॉट एड डॉग, एनिमल्स डॉट एड काउ, तो ये सारे एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए और इनको ये डिस्प्ले कर दिया जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। लेकिन अब अगर हमें वन बाई वन गेट करना है लिस्ट से एलिमेंट, तो हम किसका यूज करेंगे, गेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए और गेट करके एक एक, ये स्ट्रिंग टाइप है तो हमें स्ट्रिंग टाइप ही एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें गेट करके हम स्टोर करेंगे। तो स्ट्रिंग str इक्वल टू एनिमल्स डॉट गेट करो और कौन से इंडेक्स का एलिमेंट, वन इंडेक्स का। हमेशा याद रखना इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करेगा, यानी कि जब ये एरे लिस्ट में स्टोर करेगा तो इसका कैट का इंडेक्स जीरो होगा, डॉग का वन एंड काउ का टू। सो तो यहाँ पे ये गेट वन, अब ये देखना कि वन इंडेक्स किसका है, डॉग का। तो ये क्या गेट करेगा, डॉग, और किस में स्टोर कर देगा, str में। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे str को तो ये क्या आउटपुट देगा, देखिए यहाँ पे ये तो यहाँ लिस्ट डिस्प्ले कर दी आपने पूरी, ये देखिए एरे लिस्ट कैट डॉग काउ, और यहाँ ये एलिमेंट आप स्टोर कर रहे हो, तो एलिमेंट एट इंडेक्स वन ये देखिए डिस्प्ले कर रहा है, और क्या str में क्या है, डॉग, तो ये डॉग डिस्प्ले कर दिया। गेट मेथड पैरामीटर, द गेट मेथड एक सिंगल पैरामीटर, एक सिंगल पैरामीटर लेता है, ये देखिए जैसे ये इंडेक्स, केवल वो क्या होगा, इंडेक्स, और इंडेक्स क्या, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी एक्सेस्ड। इंडेक्स क्या होगा, पोजीशन एलिमेंट की जो आपको एक्सेस करनी है। तो यहां तो मैंने सिर्फ इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक ही एलिमेंट को डिस्प्ले किया, लेकिन आप लूप चला करके आप सभी एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे गेट मेथड रिटर्न वैल्यू, रिटर्न्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड पोजीशन। यस, जो भी पोजीशन हम गेट के अंदर देंगे उस पोजीशन पे जो भी स्ट्रिंग होगा या एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करेगा और वेरिएबल में स्टोर कर देगा, या डिस्प्ले कर रहे हैं तो डायरेक्ट डिस्प्ले कर देगा। अब रेजेस इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इफ इंडेक्स इज आउट ऑफ द रेंज। अगर इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज होगा तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्योंकि अगर सपोज यहां जैसे 0, 1, 2 इस एरे लिस्ट में 2 तक एलिमेंट है, अगर आप 3, 4 दे दोगे तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। देखिए एक एग्जांपल हमने और लिया जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, तो सेम है आपका, इंपोर्ट करेंगे एरे लिस्ट और इसमें आपने नंबर्स नाम का एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे। और देखिए नंबर्स डॉट एड 22, नंबर्स डॉट एड 13, नंबर्स डॉट एड 35, हमने 3 एलिमेंट्स हमने स्टोर कर दिए जो इंटीजर टाइप है। और अगर हमने लिस्ट को पूरी को डिस्प्ले किया तो ये नंबर्स एरे लिस्ट पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। अब हमें पोजीशन 2 का गेट करना है एलिमेंट इंटीजर टाइप, तो एलिमेंट को इंटीजर टाइप लेंगे और उसमें हम नंबर्स डॉट गेट 2 यानी कि गेट करेंगे 2 लोकेशन वाला एलिमेंट। तो नंबर्स में क्या क्या है, 22, 13, 35, 0, 1, 2, तो इट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा, 35 एलिमेंट में। एंड देन जब हम एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, यह 35। तो पहले तो आ जाएगा पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा, फिर आएगा नंबर सेट इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या है, 35, तो 35 डिस्प्ले कर देगा।
थर्ड है चेंज एरे लिस्ट एलिमेंट्स को चेंज करना। किसी भी लोकेशन पे आप एलिमेंट चेंज कर सकते हो। टू चेंज एलिमेंट्स ऑफ द एरे लिस्ट वी यूज द सेट मेथड ऑफ एरे लिस्ट क्लास। एरे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को चेंज करने के लिए एरे लिस्ट क्लास का सेट मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंपोर्ट किया हमने एरे लिस्ट को, मेन फंक्शन के अंदर हमने लैंग्वेज स्ट्रिंग टाइप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया एंड उसमें हमने ऐड कर दिया एलिमेंट जावा, कॉटलिन, C++। ये तीनों एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए लिस्ट में और उसके बाद हमने लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दे देगा, जावा, कॉटलिन, C++। अब हमने चेंज करना एलिमेंट को किसी भी इनमें से, तो हमने क्या किया, लैंग्वेजेस डॉट सेट करो टू लोकेशन पे जावास्क्रिप्ट। यानी कि आपने कहा कि लैंग्वेज की जो लिस्ट है उसमें टू लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है उसको चेंज कर दो किससे, जावास्क्रिप्ट से। तो पहले यहां क्या डिस्प्ले करेगा, जावा, कॉटलिन, C++। और यहां अब चेंज करने के बाद जब एरे लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, जावा, कॉटलिन एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यहां C++ को जावास्क्रिप्ट से चेंज कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा रिमूव एरे लिस्ट एलिमेंट्स। एरे लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव करना। टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे लिस्ट, एरे लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज द रिमूव मेथड ऑफ द एरे लिस्ट क्लास। हम एरे लिस्ट क्लास का रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंपोर्ट कर लिया हमने एरे लिस्ट क्लास को, मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल्स और उसमें अब हमने लिस्ट ऐड किए और अब इस लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया। तो क्या डिस्प्ले करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉग, कैट, हॉर्स। अब देखिए इन एलिमेंट्स में से हमें रिमूव करना कोई भी एलिमेंट, ये स्ट्रिंग टाइप है तो वेरिएबल का स्ट्रिंग ही होगा। एनिमल्स डॉट रिमूव टू, यानी कि टू लोकेशन के एलिमेंट को रिमूव कर देगा किसमें से, एनिमल्स एरे लिस्ट में से, और उस रिमूव्ड एलिमेंट को str में स्टोर कर देगा। एंड देखिए जब हम अपडेटेड एरे लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो यहां पे ये लिस्ट डिस्प्ले करेगा डॉग, कैट, बस, क्योंकि हॉर्स को रिमूव कर देगा ये इंडेक्स 2 पे जो है। अब जो रिमूव्ड एलिमेंट है वो किसमें स्टोर किया है, str में। फिर हमने रिमूव्ड एलिमेंट str को डिस्प्ले किया तो क्या डिस्प्ले करेगा, हॉर्स। तो पहले स्टेटमेंट में देगा डॉग, कैट, और दूसरे स्टेटमेंट में देगा हॉर्स। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को अब रन करके भी देख लेते हैं। ये है हमारा पहला प्रोग्राम रन करेंगे जिसको हम, इसका नाम मैंने एरे लिस्ट 1 रख दी है। तो मैं रन करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो कि अभी हमने एग्जीक्यूट किया तो उस समय हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पे जब आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उस समय ये जो दो ब्रैकेट्स है इनको हटा दीजिएगा, अदरवाइज ये एरर देगा। तो अब देखिए इसको रन करिए, अब ये एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं हटाओगे तो ये एरर देगा, रन नहीं होगा। चलिए अब हम रन कर लेते हैं। पहले हम कंपाइल करेंगे देन एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए जावा, पाइथन, स्विफ्ट, ये तीनों आइटम इसने डिस्प्ले कर दिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट वाला रन कर लेते हैं। देखिए ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा एरे लिस्ट 2 नाम का, जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है और गेट मेथड का यूज किया है, सेम प्रोग्राम में जो हमने अभी रन किया है। देखिए कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये 22, 13, 35 डिस्प्ले कर दिया एंड देन इंडेक्स 2 पे क्या 35 हमारा, तो सेम आउटपुट हमने भी एग्जीक्यूट किया था। देखिए नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स 1 पे हमारा कौन सा एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करेगा, सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया। तो पहले कंपाइल कर लेते हैं, ये कंपाइल कर लिया, अब एग्जीक्यूट करें तो देखिए कैट, डॉग, काउ, ये डिस्प्ले कर दिया और वन वाले लोकेशन पे हमारा डॉग है तो डॉग डिस्प्ले कर दिया, सेम आउटपुट हमने भी एग्जीक्यूट किया था। देखिए लास्ट जो हमारा प्रोग्राम है रन करने के लिए उसमें मैंने चेंज भी किया है सेट मेथड का यूज करके, रिमूव भी किया है एलिमेंट को एरे लिस्ट में से, दोनों को मैंने एक ही प्रोग्राम में यूज किया है। तो चलिए अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। पहले हम कंपाइल करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए जावा, कोटलिन, C++ इस स्टेटमेंट का आउटपुट है। नेक्स्ट हमारा है चेंज कर दिया, देखिए हमने टू लोकेशन पे C++ की जगह पे जावास्क्रिप्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे जावा, कोटलिन, जावास्क्रिप्ट आ गया। अब नेक्स्ट है हमने रिमूव किया एलिमेंट, सेकंड लोकेशन का रिमूव कर दिया और रिमूव्ड एलिमेंट किसमें स्टोर कर दिया, str में, और यहाँ पे देखिए इसको हमने प्रिंट करा दिया है जो अपडेटेड लिस्ट है यानी कि डिलीट होने के बाद, और उसके बाद जो डिलीटेड एलिमेंट है उसको डिस्प्ले किया है। तो देखिए डिलीट होने के बाद
यहाँ पे जावा कॉटलिन डिस्प्ले किया, जावा स्क्रिप्ट को रिमूव कर दिया और नेक्स्ट जो रिमूव्ड एलिमेंट था वो ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये थे आपके प्रोग्राम्स के आउटपुट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। और बाकी के हम जो मेथड्स हैं इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे।